हाय फ्रेंड, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद तो ये करते हैं कि आप लोग ठीक हो और आपके पूरे परिवार को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको भी। और आपने तो दिवाली की तैयारी कर ली होगी, कमेंट बॉक्स में बताना दिवाली की तैयारी कर ली कि नहीं। ये मेरी बड़ी बेटी है, हाय करो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये मेरी छोटी बेटी है, हाय करो। हाय हाय करो। हैप्पी दिवाली करो। अब थोड़ा बहुत ठंड होने लग गई है और आज मैं मार्केट जाऊंगी तो वहां से वीडियोस बना के लाऊंगी। चूड़ी मार्केट प्रसिद्ध है अलवर का, तो आप लोग के लिए भी मैं न्यू वीडियोस बना के लाऊंगी। मेरा यूट्यूब चैनल चंपा नेगी नेगी करके है, फिलहाल कोई नाम नहीं दिया है विशेष। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कॉमेंट्स ज़रूर करें। वो इसने सारी चीनी फैला दी, देखो ये अभी पीटने का काम करती है ना, आप ही बताओ पिटने का काम किया नहीं किया इन्होंने? देखो पूरी चीनी फैला दी मेरी। करा पिटने का काम? करा? किसने फैलाई? लगो चीनी क्यों फैलाई है? क्यों फैलाई चीनी? क्यों फैलाई? डर परवाह है नहीं है मम्मी की? पूरी चीनी फैला दी देखो, ये मानती नहीं है, बहुत परेशान करती है मेरे को। हाँ नहीं, झाड़ू पोछा नहीं। हाँ इंस्टाग्राम में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं अभी फिलहाल, हमारे फॉलोअर तो नहीं बढ़ रहे ना इसलिए। चीनी का डिब्बा संभालो, संभालो चीनी का डिब्बा। आपने भी फैलाई ना चीनी? इधर आओ, खड़ी उठो। क्यों फैलाई चीनी? क्यों फैलाई? क्या है ये? क्या है ये? मार खानी है? मार खानी है? मार खानी है? नहीं खानी है? हैं? ये क्यूट है, ये मार खानी है? बहुत बदमाशी हो रही है ये। क्या करूं बाबू, कितना मालूम इनको मैं, फिर भी नहीं समझती है। ये बहुत बदमाश है ये भी। क्या करूं ला, मुझे दो गुड़िया मिल गई, प्यारी प्यारी गुड़िया सी। हो गिरे नाराज बोली, फोन क्या तक है मुखा मेरे भैया के लपीन ते क्यों नट है। तीन चीज लाग जमा जान ते भी प्यारी मन ने ओका भाई कर और साए डार्लिंग बोली दारू और मेरे में ते एक छोड़ दे। आज मुझे घर की बहुत याद आ रही है क्योंकि अकेली अकेली दिवाली मना रही हूँ, तो ऐसे ही खुश रहा करूँगी। जब से शादी हुई है तब से तो मैं अपने पियर में, मैंने अभी एक बार भी दिवाली नहीं बनाई। दिवाली क्या, कोई भी त्यौहार नहीं बनाया है, शायद कोई भी त्यौहार नहीं बना पाई हूँ अपने पियर में। दूर है ना, नज़दीक होता तो शायद कभी चले भी जाती। दूर है तो शादी के बाद कोई भी त्यौहार नहीं बना पाई हूँ, ना ही त्यौहार बना पाई हूँ, ना ही वहाँ आना जाना होता है। दो दो तीन तीन साल तक आना जाना ही नहीं होता है, ससुराल भी नहीं जा पाती हूँ तो ज़्यादातर। अब बच्चे पढ़ने लायक हो गए, अब वैसे बीच में लॉकडाउन हो गया, वैसे नहीं गई। लॉकडाउन में तो हम यहीं रहे, कहीं नहीं गए, ना घर गए ना ससुराल गए, यहीं रहे। सब लोग अपने अपने घरों गए लेकिन हम नहीं गए। हमने कहा यहाँ से वहाँ जाएंगे, रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, इतने दूर हैं, बच्चों को कुछ हो गया, हमें तो जो भी है बच्चों को कुछ हो गया तो हमारी किस्मत में जैसा होगा वैसा सही। हम सेफ्टली अपने यहीं रहेंगे, तो फिर हम यहीं रहे, चाहे एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन यहीं रहेंगे। और 12 तो आपको तो पता ही है लॉकडाउन कितना लंबा चला था, होटल लाइन तो पूरी तरह बंद थी। इनके पापा जो हैं होटल लाइन में जॉब करते हैं, होटल लाइन बंद थे पूरी, और कैसी स्थिति आई थी, फिर भी कहीं नहीं गए हम। हमने कहा हम यहीं रहेंगे। मैं तो इसको लेके डर डोल रही हूँ, मुझे लग रहा है इसको लेके सोना पड़ेगा। ये देखो बंदर को, ये क्या खा रहे हो ये? हैं? हैं?
देखो अब मुझे पूजा के लिए कल दोबारा जाना पड़ेगा ही मेरे को। देखो इनने पूजा पूरा पूरा झूठा कर दिया ना पूरा। ये तो इतनी जिद्दी है ये छोटी वाली, वही 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 उलझ जाएगा। ये गोदी में से एक मिनट नहीं उतरी है। मुझे पता है कि मैंने ये सामान कैसे लिया होगा उस भीड़ में, एक मिनट नहीं। और थोड़ी सी भी उतार दूँ तो भग जाएगी, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा इसको। बड़ी वाली तो फिर भी सीधी है बेचारी, वो एक जगह खड़ी तो रहती है, ये तो खड़ी नहीं रहती है। छोटी वाली बहुत जिद्दी। सामान ये भी चाहिए मेरे को, बंदूक मेरे को चाहिए, वो पता नहीं क्या क्या गाड़ी मेरे को चाहिए, खिलौने मेरे को चाहिए। अरे सब हैं फिर भी चाहिए चाहिए। ये तो बड़ी वाली है, थोड़ा सीधी है। हाय करो, हमारी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। बताओ कमेंट्स में इसको कहाँ लगाऊं। आज मुझे घर की बहुत याद आ रही है क्योंकि अकेली अकेली दिवाली मना रही हूँ तो ऐसे ही खुश रहा करूँगी। जब से शादी हुई है तब से तो मैं अपने पियर में मैंने अभी एक बार भी दिवाली नहीं बनाई। दिवाली क्या कोई भी त्यौहार नहीं बनाया है, शायद कोई भी त्यौहार नहीं बना पाई हूँ अपने पियर में। दूर है ना, नज़दीक होता तो शायद कभी चले भी जाती। दूर है तो शादी के बाद कोई भी त्यौहार नहीं बना पाई हूँ, ना ही त्यौहार बना पाई हूँ, ना ही वहाँ आना जाना होता है। दो दो तीन तीन साल तक आना जाना ही नहीं होता है। ससुराल भी नहीं जा पाती हूँ तो ज़्यादातर। अब बच्चे पढ़ने लायक हो गए, अब वैसे बीच में लॉकडाउन हो गया वैसे नहीं गई। लॉकडाउन में तो हम यहीं रहे, कहीं नहीं गए, ना घर गए ना ससुराल गए, यहीं रहे। सब लोग अपने अपने घरों गए लेकिन हम नहीं गए। हमने कहा यहाँ से वहाँ जाएंगे, रास्ते में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, इतने दूर हैं, बच्चों को कुछ हो गया, हमें तो जो भी है बच्चों को कुछ हो गया तो हमारी किस्मत में जैसा होगा वैसा सही। हम सेफ्टली अपने यहीं रहेंगे तो फिर हम यहीं रहे, चाहे एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन यहीं रहेंगे। और 12 तो आपको तो पता ही है लॉकडाउन कितना लंबा चला था, होटल लाइन तो पूरी तरह बंद थी। इनके पापा जो हैं होटल लाइन में जॉब करते हैं, होटल लाइन बंद थे पूरी। और कैसी स्थिति आई थी फिर भी कहीं नहीं गए हम। हमने कहा हम यहीं रहेंगे। मैं तो इसको लेके डर डोल रही हूँ, मुझे लग रहा है इसको लेके सोना पड़ेगा। ये देखो बंदर को, ये क्या खा रहे हो ये, हैं हैं। देखो अब मुझे पूजा के लिए कल दोबारा जाना पड़ेगा ही मेरे को। देखो इनने पूजा पूरा पूरा झूठा कर दिया ना पूरा। ये तो इतनी जिद्दी है ये छोटी वाली, वही 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 उलझ जाएगा। ये गोदी में से एक मिनट नहीं उतरी है। मुझे पता है कि मैंने ये सामान कैसे लिया होगा उस भीड़ में, एक मिनट नहीं। और थोड़ी सी भी उतार दूँ तो भग जाएगी, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा इसको। बड़ी वाली तो फिर भी सीधी है बेचारी, वो एक जगह खड़ी तो रहती है, ये तो खड़ी नहीं रहती है। छोटी वाली बहुत जिद्दी। सामान ये भी चाहिए मेरे को, बंदूक मेरे को चाहिए, वो पता नहीं क्या क्या गाड़ी मेरे को चाहिए, खिलौने मेरे को चाहिए। अरे सब हैं फिर भी चाहिए चाहिए। ये तो बड़ी वाली है, थोड़ा सीधी है। हाय करो, हमारी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। बताओ कमेंट्स में इसको कहाँ लगाऊं।